फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد। आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद सरवर जावेद हीरा एडवोकेट के लिए इसाल फरमा दीजिए। अपनी हाजात की कबूलियत इमाम वक्त के दौर में तअजील के लिए जहाँ कहीं मोमिनीन औनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त माल जान आबरू की हिफाजत के लिए जिन्होंने दुआ की इल्तिमास की है उनकी हाजात की कबूलियत के लिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के लश्कर में शामिल और शमूलियत के लिए शामिल होने के लिए इस मुज़ी मरज़ से निजात पाने के लिए जिन बानियान की तरफ से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया है इनकी तौफीकात में इजाफे और इनके महरूमीन की बख्शिश मफ़रत और बुलंदी दरजात के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावात इनायत अज़ान मोहतरम। सिलसिला गुफ्तगू की आज दूसरी नशिस्त है और कल आपके सामने अर्ज़ किया था कि कोशिश करेंगे जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जाने कि अली और अली जैसों की खुसूसियात और उनके फ़ज़ाइल क्या हैं। हकीकत यह है कि जनाब अमीर ने और इसी तरह दीगर आइम्मा ने अपने बेशुमार फ़ज़ाइल में से कुछ हमारे लिए आयां किए हैं। अगर ये पंखा चल सकता है यहाँ पे तो इसको चला दीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत से अपने भी तक तवज्जो रखें जिसका जो काम है वो करें, आपका काम है सुनना, जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। बहुत से फ़ज़ाइल में से चंद फ़ज़ाइल हमारे लिए आयां किए हैं और ये जो चंद फ़ज़ाइल हमारे लिए आइम्मा ने आयां किए हैं ये वो फ़ज़ाइल हैं
कि जिनको वाकयन हम में बर्दाश्त करने की सकत थी, वरना हकीकत आइम्मा और हकीकत अहलुल बैत क्या है ये ना हम समझे हैं ना समझ सकते हैं। मैं इब्तिदाए कलाम में आपकी तवज्जो एक हदीस की जानिब मबजूल कराता हूँ। किताब का नाम है रिजाले कशी, तवज्जो है ना हज़रात की। उसमें एक रिवायत है, ये रिवायत जनाब जाबिर इब्ने यजीद जाफी से है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत ही करीबी असहाब में से। अब चूंकि मैं इस वक्त इल्म रिजाल की आभास नहीं छेड़ रहा, इसलिए मैं नहीं जाता उस तरफ के इनका क्या मर्तबा है, इनके हवाले से रिजाल की कुतुब में क्या है क्या नहीं है। फिलहाल सिर्फ इस वाक़े की तरफ तवज्जो फरमाएं। कहते हैं कि आइम्मा से बिलखसूस इमाम बाकिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इन्होंने 30,000 अहादीस नकल की है। कितनी? 30,000। मुझे तो 300 भी याद नहीं है। 30,000 अहादीस। अलबत्ता ये कौन सी अहादीस हैं, अब जरा सुनते जाइए। इमाम ने इनको ये 30,000 अहादीस बतौर खजाना बतौर असरार देने के बाद क्या कहा, ऐ जाबिर तुमने ये अहादीस किसी कम ज़र्फ इंसान के सामने नकल नहीं करनी। तवज्जो फरमाए हजरात। अब आपको हक है आप सवाल करें कि ये 30,000 अहादीस किस चीज़ से मुतालिक थी। हो सकता है कोई समझे ये हलाल और हराम से मुतालिक थी, ये अखलाकियात से मुतालिक थी। ना ये हलाल और हराम से मुतालिक थी ना अखलाकियात से, क्योंकि हलाल और हलाल से मुतल्लिक हो या अखलाकियात से इनको छुपाया नहीं जाता। तवज्जो फरमाएंगे हजरात, हलाल और हराम से मुतल्लिक अहादीस को छुपाया, असल छुपाना दुरुस्त ही नहीं है। हलाल और हराम हुक्म खुदा का बयान जरूरी है, अखलाकियात का दूसरों तक पहुंचाना ये जरूरी है। इसमें ज़र्फियत की कमी या ज्यादती वाला मामला नहीं है। जो चीज हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। मोहम्मद हलालुन इला यौमिल क़ियामा व हराम मोहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा। जो रसूल ने हलाल किया वो क़यामत तक हलाल है, जो रसूल ने हराम किया वो क़यामत तक हराम है। तो अब यह हदीस जो 30,000 हदीस थी किसके लिए है, कौन सी हैं ये हदीसें जिनको का ये बयान नहीं करनी। उलमाए मुफस्सरीन शारहीन लिखते फरमाते हैं ये अहादीस मकाम मंजिलत अहलुल बैत से मुतअल्लिक थी, जिसमें उनके फजाइल कमालात थे, क्योंकि जाबिर में इनको बर्दाश्त करने की कुव्वत थी लिहाजा जाबिर से बयान की, लेकिन साथ कह दिया जिसमें ये सकत नहीं है उसके सामने नकल नहीं करनी। तवज्जो फरमाए हजरात, उसके सामने इसको नकल नहीं करना। अब जाबिर ने कहा जो हुक्म फरजंदे रसूल, चले गए। कुछ अरसे के बाद आए, हदीस कह रही कुछ अरसे के बाद आए और आकर इमाम से कहा मौला मेरा सीना संगीन हो रहा है, ये बातें जो आपने मुझे बताई हैं अगर मैं किसी के सामने बयान न करूं मेरे सीने पे एक बोझ है, मैं इसको हटाना चाहता हूं, मैं इस बोझ को हल्का करना चाहता हूं। इमाम ने क्या फरमाया कि जाबिर जाओ सहरा में जाकर गढ़ा खोदो, उसमें मुंह डालो और कहो काल अल बाकर व काल अल सादिक, लेकिन ये बातें किसी का तवज्जो फरमाई हजरात ने। मालूम हुआ आइम्मा क्या है ना ये हमें पता है और ना हम ये जान सकते हैं किस मकाम व मंजिलत पे हैं। वाकयन दुनिया कहती है खुदा को कोई नहीं पहचान सकता, मैं कहता हूँ खुदा को तो वाकयन कोई नहीं पहचान सकता, खुदा के इन बंदों को नहीं पहचान सकता।
नहीं पहचान सकता, वाकईन हमने इतनी सकत नहीं हम पहचान सके, लेकिन जिस कदर रसूल और आइम्मा ने बयान किया जो हम तक पहुंचा, तो अब अली ने हजर बलागा में क्या कह रहे हैं, तवज्जो रखेंगे, अजीब मरहला है फिक्र है। जनाब अमीर अहलुल बैत का तारुफ कराते हुए कहते हैं, नहनो शजरतुन नबुवा व महत्तुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महबतुल व मादनुल इल्म व जनाबीउल हुक्म, हम शजरे नबुवत हैं, हम रिसालत का मकाम हैं, हम मलाइका के आने जाने का मकाम हैं, हम इल्म के मादन हैं, हम हिकमत के सरचश्मे हैं। ये जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अफराद और तफरीद हर जगह ही पाई जाती है और मियाना रवि इख्तियार करने वाले अफराद बहुत ही नादर है। आम तौर पे आप फजाइल अहलुल बैत नकल करें तो बाज़ लोग कहने लगते हैं भाई इतने फजाइल नकल करने की क्या ज़रूरत है, आप तबलीगी बातें कीजिए, और अगर तबलीगी बातें शुरू कर दें तो दूसरी तरफ वाले कहते हैं जी आप फजाइल अहले बैत ही नकल नहीं करते। तवज्जो है, ये मैंने कोई मार्स जुपिटर की बात नहीं की, आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं किसी और का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आपको मालूम है अहलुल बैत रहमुस्सलाम ने इतनी अपनी शान में फजीलतें, अली की फजीलतें रसूल ने, रसूल की फजीलतें अली ने, फातिमा की फजीलतें रसूल ने, ये क्यों बयान की हैं? कभी इस तरह सोचा आपने? सिर्फ इसलिए कि नकल करें, वाह वाह करें, उठ के चले जाए। वो अफराद जो ये कहते हैं फजाइल नकल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फकत तबलीग कीजिए, वो भी गलत है। और जो ये कहते हैं बस फजाइल नकल करें, हमें किसी दूसरी तरफ का कोई रुख ना दिखाएं, वो भी गलत है। अहलुल बैत के फजाइल नकल इमामों ने किए तो क्यों किए? इसलिए कि बयान हो। अगर बयान नहीं करते थे तो क्यों फरमाए? नाउबिल्लाह आइम्मा के पास, रसूल के पास कोई फालतू का वक्त था जो उन्होंने यहां हदीस इरशाद फरमाई? वो एक बहुत बड़े आलम इस्लाम के अदीब, अब मैं नाम नहीं लेता उनका, बिला वजह में यहां लोगों को हसासियत हो जाएगी, वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि ये तो अजीब मामला है कि खुदा ने लगता है रसूल को भेजा इसलिए था, क्या रसूल को और कोई काम ही नहीं था कि बस अली के फजाइल बयान करते रहे? यानी अगर आप रसूल से मरवी फजाइल अली से मुतअल्लिक रिवायात को जमा करें और फिर उन्हें रसूल की हयात पर तकसीम करें तो ऐसा मालूम होगा जैसे रसूल उठते बैठते बस अली अली किया करते थे। ये कोई मैंने खतीबाना जुमला नहीं कहा, हकीकत है। तो बस रसूल हर वक्त अली अली करते रहते थे, रसूल बस अली के फजाइल बयान करते रहते थे। जरूरत है अली के फजाइल बयान करने की, अली के फजाइल बयान करना जरूरी है। जिस तरह अगर कोई उठ के कहे रसूल अपनी सारी जिंदगी बस कुरान ही पढ़ते रहते थे, बस कुरान की आयतें पढ़ते रहते थे, कोई और काम नहीं था रसूल को, तो क्या जवाब देंगे मुसलमान? कि रसूल का कुरान बयान करना जरूरी है, अगर रसूल कुरान ना बयान करें, तफसीर बयान ना करें तो कौन करेगा? दुनिया को कहां समझ में आएगी कुरान क्या है? इसी तरह जरूरी है कि रसूल अली की फजीलत बयान करें ताकि दुनिया को पता चले अगर मैं दिखाई ना दूं तो इसके दरवाजे पर जरूरी है। और ये मैं एक आपको बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल शुरू है तकरीर में ही अर्ज कर दूं, इंसान की फितरत, तवज्जो है ना, इंसान की फितरत कमाल तलब है, हमेशा चाहे कि कोई कमाल हो तो ये उसे हासिल करे। ये गलत रहस्य है कि हो सकता है कोई चीज कमाल ना हो और ये उसे कमाल समझ बैठे।
लेकिन हकीकत यह है कि यह कमाल तलब है। जो जाहिल भी है ना उसको आप जाहिल कह के देखें, फिर वो आपको बताएगा आपने मुझे क्यों जाहिल कहा, का तुम हो का बेशक हो, दुनिया के सामने कहने की क्या जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जहल नक्स है और नक्स को इंसान फितरतन कबूल नहीं करता, और जो भी कमाल हो उसको फितरतन कबूल करता है। कभी आपने सोचा कि क्यों इतनी फजीलतें नकल हुई अली की? क्योंकि अली की फजीलतों में कमाल है। जब ये कमाल इंसानों के सामने नकल होगा तो चूंकि ये कमाल तलब और कमाल पसंद हैं, लिहाजा अली की फजीलत सुनकर अली की तरफ बढ़ेंगे, अली को इमाम मानेंगे। ये फजीलतें इसलिए हैं कि कमाल अली को देखो और उस कमाल की तरफ आगे बढ़ो। और जब आप उस कमाल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर किसी और का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, फिर या अली के दर पे होंगे या औलादे अली के दर पे होंगे। और जब इस फजीलत को दर कर जाएंगे, अतला शहीद सगैब शराजी अपनी किताब में क्या खूबसूरत जुमला लिखते हैं, कहिए क्यों है अली की फजीलतें, क्यों अली की हम इतने फजाइल बयान करते हैं, ताकि इन फजीलतों को सुनकर इंसानों के दिल नर्म हो जाए, और जब नर्म हो तो वो अली की तरफ बढ़ें, और जब अली की तरफ बढ़ें तो सिर्फ अली की तरफ न बढ़ें, अली के कमालात को हृदय भाई उनको बना दे। अगर ये बात तय हो गई कि अली आलिम है तो फिर चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता। अगर ये बात तय हो गई कि अली आदिल है तो चाहने वाला जालिम नहीं हो सकता। अगर ये बात तय हो गई कि अली दूसरों के ऊपर रहम करने वाले हैं तो चाहने वाला किसी सूरत भी रहम से दूर मामला नहीं कर सकता। ये फजीलतें इसलिए हैं। अब अली क्या बयान कर रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। इन तमाम फजीलतों में अखलाकी पहलू हैं, इनको मद्देनजर रखेंगे इंशाअल्लाह। फरमाने हम शजरे नबुवत हैं। शजरे नबुवत यानी क्या? आइए रसूल से पूछते हैं अली के जुमले के क्या माना है। रसूल फरमाते हैं الناس من شجرة شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين أغوانها। فرماتے ہیں میں کون ہوں, میں اور علی کون ہیں, मैं और अली एक ही शजरे से हैं, जबकि बकिया सारे इंसान मुख्तलिफ शजरों से हैं। मैं शजरे की असल हूँ, जड़ हूँ, अली उसका तना है, हसन और हुसैन उसकी शाखें हैं। अगर यहाँ तक रुक जाते हम भी रुकते। और अब क्या था का वशियातुना औराकुहा, और ये शिया जो हमारे हैं वो इस शजरे ये जो शिया हैं ये इस दरख्त के पत्ते हैं। अब फरमाते हैं मन यतअल्लका बिअग्वानहा, जो भी इसकी शाखों से जुड़ गया मुत्तसिल हो गया दखलल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये रिवायत आपने सुन ली, ये क्या फजीलत है। वो दरख्त जो शजरे नबुवत है उसकी जड़ रसूल है, उसका तना अली है, उसकी शाखें हसन हुसैन है, उसके पत्ते शिया हैं। अब सवाल, कितना बड़ा स्टेटस मिल गया आपको। ये उस शजरे की बात नहीं हो रही जो सादात का शजरा है, तवज्जो नहीं फरमाई हजरात ने। सादात के शजरे में बस वही आते जिनका खून हुसैन से मिलता है। शजरे नबूवत में हर वो शख्स आ सकता है जो रूहानी तौर पर हुसैन मिलता है।
रहा हूँ आपको। खुदा ने ये तौफीक बख्शी इस हकीर को कि ज़ियारत जामिया की एक शरह अनवार लामिया फी शरह ज़ियारत जामिया उसका तर्जमा करने का इस हकीर को शरफ हासिल हुआ। ये सैयद अब्दुल्ला शुब्बर काजमैनी की शरह है। उसमें वो एक बड़ा ही लतीफ नुक्ता बयान करते हैं, आपको हदिया कर रहा हूँ, और ये समझिएगा ये नुक्ता आज की मजलिस का तबर्रुक है। आप लोग लड़ झगड़ के लेते हैं ना तबर्रुक, ऐसा है या नहीं है? ये भी इस मजलिस का तबर्रुक है। अच्छा, बल्कि मैं यूं कहता हूं कि ये हकीकी तबर्रुक है। उस तबर्रुक में और इस तबर्रुक में फर्क ये है, वो अगर लोग ज्यादा हो जाएं तो कम पड़ जाता है, ये जितने लोग ज्यादा हो तो जो फरमाई हजरात यहां कम नहीं पड़ता। बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करते हैं, फरमाते हैं ये जो कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, तो इमाम और आइम्मा से ताल्लुक रखने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जिनका सिलसिला नसब उनसे जाके मिलता है, एक वो है उनका सिलसिला नसब नहीं मिलता लेकिन वो फिर भी इनके साथ शुमार होते हैं। मैं भी बात वाज़ेह होती है, कहा वो हदीस सुन रखी है ना सलमान मिन्ना, रसूल से नस्बी रिश्ता है, वो अरबी नहीं है, फारस से आए हैं, फारसी हैं, करें हम अहलुल बैत में से तवज्जो फरमा रहे हैं हजरत। कहते हैं जिस तरह से नसब के कुछ हैं उस तरह से हसब के भी कुछ हैं। जिस तरह कुछ अफराद ने नस्बन अहलुल बैत से निस्बत को दर्द किया है, उसी तरह कुछ लोगों ने हसबन अहलुल बैत से निस्बत को दर्द किया है। अब आप जानते हैं ना जिनसे नसब मिलता है अहलुल बैत का यानी सादात, उनको सदका हराम है। ऐसे ही है, कहते हैं जिनका नस्बन शजरा मिलता है उन पे भी एक सदका हराम है, और जिनका हसबन शजरा मिलता है उन पर भी सदका हराम है। अब आप कहेंगे ये मैं कौन सा नया फिकी मसला बयान करने लग गया। अब ये पूरी बात सुन के जाइएगा, बीच जना उठे कोई। अल्लामा अब्दुल्ला शुबर कहते हैं जिनका शजरा नसब मिलता है उन पर भी एक सदका हराम है, जिनका शजराए हसब मिलता है उनका भी एक शजरा, उन पर भी एक सदका हराम है, उन पर माली सदका हराम है और इन पर इल्मी सदका हराम है। क्या ये जो नस्बन अहले बैत से मिलते हैं इन्हें तुम कभी किसी दूसरे के दर्द नहीं दे, ये फर्ज में अपने अखलाक किरदार में जो कुछ हासिल करते हैं अहले जो फरमाई हजरात ने, यानी वो जो आपके इख्तियार में नहीं है उसको खुदा ने आपके ऊपर उसका बोझ भी नहीं डाला। कोई सैयद है नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है लेकिन आपके इख्तियार में हसब है, नसब नहीं है लेकिन हसब है। आप उस दर्जे पे आ सकते हैं कि जो कुछ लेना है अहलुल बैत से लेना है, और अगर इस मंजिल तक आ गए तो अब जुमला सुने क्या फरमाया, शिया तो ना औरा कोहा, शिया इस दरख्त के पत्ते हैं जो इस शजरे नबूवत से किसी और तरफ जा नहीं सकते। आपका स्टेटस बहुत बुलंद हो गया है, तवज्जो फरमाइए हजरात ने, आप अपने आप को कम नहीं समझ सकते। आपको अहले बैत ने कहा है तुम उस दरख्त के पत्ते हो जो शजरा नबूवत है, जो शजरा तय्यबा है, कितना स्टेटस बुलंद हो गया। अब वो लोग जो ये समझते हैं कि फजीलत मिलने से जिम्मेदारी घट जाती है वो जरा गर्दन उठाएं।
फजीलत जहाँ आती है जिम्मेदारी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। कितना बड़ा स्टेटस दे दिया आपको, पत्ते उस दरख्त के जो शजरे तैयबा है, जो शजरे नबुवत है। तवज्जो, कभी आपने देखा या इस चीज को दर करने की कोशिश की, जब भी आप खिजा में, मौसम खिजा में कहीं जाते हैं, आपने दरख्तों को देखा जब पत्ते नहीं होते, क्या उनकी पहचान कर पाते हैं? पत्ते झड़ गए, अब आपसे पूछे ये कौन सा दरख्त है, ये कौन सा, अगर आप पहले से ना जानते हो ये कौन सा दरख्त है तो आप नहीं बता सकते कि ये किस चीज का दरख्त है। ऐसा है कि नहीं है? मालूम हुआ दरख्त की पहचान पत्तों से होती है। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई हजरात ने। दरख्त की पहचान किससे होती है जी? पत्तों से। अगर पत्ते झड़ जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा ये किस चीज का दरख्त है। अब जरा सोचिए, अहलुल बैत ने आपको कितना बड़ा स्टेटस दे दिया है। वो कह रहे हैं तो उस दरख्त के पत्ते हो जो शजरे नबूवत और शजरे तैयबा है, यानी अहलुल बैत ने हम पर ये जिम्मेदारी रखी है कि दुनिया के सामने अगर कोई तारुफ कराएगा हमारा तो वो हमारे लिए। कौन है वो? वो हमारे शिया है। अब दो लम्हे के लिए रुक जाए, सीनों पे हाथ रख ले ताकि मैं जुमला कहूं अगला। कैसा तारुफ पेश कर रहे हैं हम? क्या ये तारुफ उस दरख्त के शायान शान है या नहीं है? ये उस फजीलत का नुक्ते अखलाकी है जो इसमें पोशीदा है। अगर आप हजरात पत्ते बन जाएं और तारुफ उस तरह से न करवाएं जैसे अहलुल बैत चाहते हैं, तो दुनिया तो आपको देख के कहेगी ये कैसा दरख्त है। सोचिए, दुनिया ने तो आपको देखना है ना, भाई अली इस वक्त उनके सामने हैं? नहीं है। इमाम सादिक उनके सामने हैं? नहीं है। तवज्जो है, उनके सामने कौन है? आप। उन्होंने आपको देखना है और दरख्त के बारे में कयास करना है कि पत्ते ये हैं फिर दरख्त क्या होगा। इसीलिए अल्लाह अकबर, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। इमाम का एक सहाबी है, इसको ले जाया गया एक नासिबी काजी के दरबार में। तवज्जो है, नासबी काजी यानी जज के पास से जाया गया। और जब उसने देखा कि ये आने वाला शिया यानी राफिजी है, तो उसने क्या कहा? कर इसकी गवाही कबूल नहीं करेंगे। और उसने एक जुमला कहा, हाजान फातमियान व जाफरियान, ये दोनों फातमी और जाफरी है। तो वो जो सहाबी इमाम थे दोनों, वो रोने लगे और उसने उससे पूछा, ऐसे काम ही क्यों करते हो जो रोना पड़े? क्यों जाफरी बने, क्यों फातमी बने? अब इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारी गवाही कबूल नहीं हुई? उसने आगे से सर उठाया, उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मेरी गवाही कबूल नहीं की, मैं तो इसलिए रो रहा हूं तुमने मुझे इतना बड़ा टैग दे दिया कि मैं फातिमी और जाफरी में इसकी काबिल हूं। अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाई हजरात ने, क्या स्टेटस दिया आपको अहलुल बैत ने? तुम वो पत्ते हो जो हमारी पहचान करवाएंगे, दुनिया हमें देख रही है। और अहलुल बैत के मकतब के बारे में राय कायम कर रही है। इसलिए वो इमाम रजा की हदीस बार बार अपने जहन में रखिएगा, इमाम ने मुतअद्दिद मकाम पर अपने चाहने वालों के लिए फरमाया, देखो हमारे लिए बायस जीनत बनना बायस नंगो आर न बनना, ये मैंने तारुफ कराना है। ये तो हो गई उन हजरात की बात जो पत्ते हैं। और अगला जुमला सुनिए,
من يتعلق بأغوانها جو اس کی شاخوں سے متمسک ہو گیا دخل اللہ الجنہ تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے بہت سے افراد اس زمانے میں ایسے دیکھے ہوں گے جن کے لبوں سے یہ جملے نکلتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، توجہ ہے ذرا آپ کی، کیا کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے رجوع کس کی طرف کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فلاں امام کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم فلاں امام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کون سا اہل بیت کو ماننا ہے، یہ کون سا اہل بیت کو ماننا ہے؟ ماننے کا مطلب فقط یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھائی وہ بہت فضائل اور مراتب والے تھے، دین کسی اور سے لینا ہے نہیں، میں بات نہیں پہنچا پا رہا۔ رسول کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میرے اہل البیت کی مثال کشتی نوح کیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنها غر فهوى، اور جو اس سے پیچھے رہا، جو سوار نہیں ہوا اس کا کیا ہوگا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ توجہ فرمائی، اگر کہیں سیلاب آ جائے جیسے حضرت نوح کے زمانے میں آیا تھا کہ ہر چیز پانی سے ڈھک جائے، تو نجات کب ملے گی؟ جب کشتی میں سوار ہوں گے۔ کوئی شخص کنارے کھڑے ہو کر لاکھ کہتا رہے واہ کیا خوبصورت کشتی ہے، واہ کیا خوبصورت عرشہ ہے، کیا خوبصورت بادبان ہے، جب چلتی ہے تو کیا حسین لگتی ہے، لیکن یہ سب تعریفیں کنارے میں کھڑے ہو کر ہوں، وہ اس میں سوار نہ ہو تو کیا اس کی نجات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نجات جب ہی ممکن ہے جب وہ کشتی میں سوار ہوگا، اور سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رجوع اہل بیت سے کرنا ہے، جہاں وہ لے جائے جانا ہے، جہاں وہ لے جائے جانا ہے۔ کشتی میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوں گے، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، توجہ فرمائیں حضرات، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کشتی میں بیٹھنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں اب میری حرکت میری نہیں ہے، جہاں کشتی جائے گی میں وہاں جاؤں گا، جہاں رک جائے گی وہاں رک جاؤں گا۔ اہل بیت کشتی نجات ہیں، سوار ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں وہ رک جائیں میں رک جاؤں، جہاں وہ چلے میں چلوں، میں اپنی حرکت اس کشتی کی حرکت میں سب کر رہے ہوں، میں تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں، میں وہی چاہتا ہوں جو یہ مانا ہے کشتی میں سوار ہونے کے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ کہیں چلوں گا تو میں خود ہی؟ نہیں، کشتی جہاں لے جائے گی وہاں جانا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو اہل البیت کی کشتی میں کون سوار ہوا ہے تو ذرا مالک اشتر کو دیکھیے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اہل البیت کی کشتی میں کون سوار ہوا ہے تو ایک طرف میثم تمار کو دیکھیے گا۔ ذرا دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ ہو گئے اور آپ کو کوئی کہتا چلو واپس، اور آپ کہتے نہیں میری تلوار اس باغی کی گردن پہ ہے، چند لمحے چاہیے اس کا کام تمام ہو جائے گا، یہ میری تلوار یہ اس کی گردن بس چلے گی فتنے کا کام تمام،
अगर पीछे से मुझे आके कोई कहता चलो आपके सली बुला रहे हैं, तो मैं तो आगे से यही कहता कि जरा कुछ देर सब्र कर दीजिए, मौला मैं आपकी सारी मुश्किलात का हल निकाल के आने वाला हूँ। लेकिन वो मैं नहीं था, वो मालिक अस्तर था, वो कश्ती अहले बैत का सवार था, का कौन हुक्म दे रहा है? सामने वाला मरता मरे, नहीं मरता ना मरे, मेरी बला से मुझे हुक्म अली ने दिया वापस पलट गए। अगर मैं होता और मुझे कोई गली में राह चलता ही ऐसे कुछ कह दे कि भाई दो दिन घर से बाहर नहीं निकलना, क्यों? कहा ये दो दिन तुम पे बड़े भारी हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारी टांग टूट सकती है, तुम्हें को मुश्किल लाहक हो सकती है। मैं कहूंगा दो दिन में दो हफ्ते नहीं निकलता, ऐसे ही है। लेकिन जो अली की और अहलुल बैत की कश्ती निजात का मुसाफिर था, उसको अली ने कहा मीसम जानते हो इस दरख्त पर तुम्हें सूर्य लटकाई जाएगी। उसने ये नहीं किया कि चलो आओ दरख्त को ही उखाड़ देते हैं, वो अली की कश्ती का सवार था। कश्ती का सवार था, उसने पानी दे दे के उस दरख्त को बड़ा किया। देखिए मौका नहीं होता या साहब आइम्मा का तस्करा हो, कभी मौका मिले अलग से एक एक सहाबी की जिंदगी के ऊपर मुफसल आपके सामने मारूजात पेश की जाएं, ताकि मालूम हो कि इन हस्तियों का क्या दर्जा है जो हकीकत में अली की कश्ती के सवार हैं। लेकिन आप देखिए क्या मर्तबा पाया है मीसम ने, अल्लाह अकबर। आखिरी लम्हे भी ये फिक्र नहीं है कि मेरी जान जाएगी, आखिरी लम्हे भी ये फिक्र है मेरे मौला ने जो कहा है वो कब सच होगा। जब इब्ने ज़ियाद ने बुलाया और कहा कि अब हम तुम्हें सूली लटकाएंगे, तो कहा मुझे पता है, मेरे मौला ने बताया था तुम्हारी आखिरी गजा दूध का प्याला होगी, वो मैं पी आया हूं। कितना यकीन है अली पर, कहो मैं पी आया हूं। कहा और बता तेरे मौला ने क्या कहा था? कहा मुझे सूली लटकाया जाएगा और सूली लटकाने के बाद मेरी जबान को काट दिया जाएगा। कहा अच्छा, यहीं पे तेरे इमाम को झूठा साबित करेंगे, तुझे सूली तो लटकाएंगे लेकिन तेरी जबान नहीं काटेंगे, ताकि दुनिया को पता चले ना वो बिल्ला अली कितना बड़ा झूठा था, ना वो बिल्ला बिन जालिक। जनाबे मीसम बड़े सुकून से हैं, दरख्त पे सूली लटके मीसम ने कहा मैं क्यों वक्त जाया करूं, इसे इबादत में क्यों ना गुजारूं, चले आओ उस अली का जिक्र करें जिसका जिक्र करना इबादत है। अली कौन है और अली के मुकाबले इब्ने ज़ियाद जैसे बता, अली की फजीलतें बयान की, बनू उमय्या के रज़ाइल बयान किए। एक शख्स दौड़ा दौड़ा पहुंचा, कहने लगा अमीर उसने पूरा मजमा लगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो अहले कूफा उसकी बातों में आकर हमला कर दे, हम आपको मशवरा देते हैं उसकी जबान काट दीजिए। यहाँ जबानी मीसम कट रही थी, वहां आंखें शुक्र सजदा कर रही थी। यह है कश्ती के सवार, ये हैं वो जिन्होंने हकीकत में अपनी हरकत को इस कश्ती की हरकत में जम कर दिया। मासूम नहीं है हम, तो जब आइम्मा की बात करते हैं तो सामने वाले कहते हैं जनाबे अली वो तो मासूम थे, वो तो इमाम थे। मीसम कौन से मासूम है? जनाबे सलमान फारसी कौन से मासूम है? मालिक अश्तर कौन से मासूम है? लेकिन उन्होंने बताया इस कश्ती में सवार कैसे होते। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले।
शजरत नबुवा, हम नबुवत का शजरा है। अच्छा जरा रुक जाइए, ये क्यों कहा कि हम नबुवत का शजरा है? ये क्यों कहा? हम ये नहीं कहा कि हम नबी का शजरा है, फर्क है। कहा हम नबुवत का शजरा है, ये नहीं कहा हम नबी का शजरा है। क्यों? नबुवत के शजरे में और नबी के शजरे में फर्क है। नबुवत का शजरा वही हो सकता है जो अहलुल बैत नबुवत हो। आप कहते हैं ना अहलुल बैत नबुवत। अब यहां पे एक बड़ी बहस है कि इसमें कौन दाखिल है और कौन खारिज है। जानते हैं आप माशाल्लाह मजालिस सुन सुन के आपका ज़ौक समात इस कदर बुलंद है, आपको मालूम है कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें जबरदस्ती इस इस्तिलाह अहलुल बैत में घुसाने की कोशिश की जाती है। मगर मैं एक जुमला कहूं और आपकी समातों की नजर कर दूं और आपके ऊपर भरोसा करते हुए, यहां अगर अहलुल बैत मोहम्मद की बात होती तो आप जिसको चाहे मर्जी घुसा लेते, लेकिन यहां अहलुल बैत मोहम्मद की बात नहीं है, अहलुल बैत नबुव्वत की बात है। आप कहेंगे क्या फर्क है इसमें? तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह बैत कहते हैं किसको? घर को। आप लोगों के भी घर है किस चीज से बनते हैं? ईंट गारा सीमेंट इन्हीं चीजों से बनते हैं ना। ये जो घर आप बनाते हैं, रसूल के भी घर थे, रसूल भी घर में रहते थे और एक घर नहीं था, रसूल के तो मुतअद्दिद घर थे, मुतअद्दिद अज़वाज, मुतअद्दिद घर। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा अहलुल बयूत, कुरान ने कहा अहलुल बैत। अगर कुरान कहता ना अहलुल बयूत तो आप ये कह सकते थे कि शायद घर से मुराद ये मट्टी गाड़े के घर है। लेकिन कुरान ने क्या कहा? कुरान ने भी क्या कहा आयत अखीर में? अहलुल बैत, बैत मुफरद है, उस पर अलिफ लाम, तवज्जो है आयत की। यानी कुरान ये बता रहा है ये उस घर की तरफ इशारा नहीं है जो मट्टी और दारे से बना है, जिसका मसाला मट्टी और दारा और ईंटे हैं। ये उस घर की तरफ इशारा है जिसका मसाला फजाए है। ये इस जाहिरी घर की तरफ इशारा नहीं है। अगर जाहिरी घर की तरफ इशारा होता तो जो उसमें दाखिल हुआ वो सब के सब अहलुल बैत हो जाते, लेकिन घर में दाखिल होने वाले सारे अहलुल बैत नहीं है, बल्कि वही अहलुल बैत है जो अल्लाह आप जाइए तारीख उठाइए सही तरीन किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अबू सुफियान कौन है? रसूलुल्लाह का क्या रिश्ता है? ससुर है। तवज्जो है कि नहीं है? रसूलुल्लाह के घर में अबू सुफियान की बेटी है उम्मे हबीबा। तवज्जो फरमाएंगे हजरात। कब मुसलमान हुआ अबू सुफियान? फतह मक्का 8वीं हिजरी में। उससे पहले काफिर था। तवज्जो है कि नहीं है? उससे पहले क्या था? काफिर था। उम्मे हबीबा रसूल के घरों में रहती हैं और फतह मक्का से पहले सुफियान मदीने आता है और अपनी बेटी से मिलने के लिए उस घर में जाता है जो रसूल के घरों में से एक है। और जब जाकर बैठने लगता है उस जगह पर जहां रसूल बैठा करते थे तो उम्मे हबीबा कहती हैं रुक जाइए। क्या हुआ? कहा जब रसूल की मसनद है तो कोई काफिर नहीं बैठ सकता। ये रसूल की मसनद है उस पर कोई काफिर नहीं बैठ सकता। फैसला तो उम्मे हबीबा ने किया है, रसूल की मसनद पे कौन बैठ सकता है कौन नहीं बैठ सकता। सलाम।
काफिर नहीं बैठ सकता। क्या किया, मसनद को लपेटा, एक तरफ रखा, अब बैठ जाइए। अबू सुफियान कौन है? काफिर है। कहां आ बैठा है? रसूल के घर में। अगर अहलुल बैत से मुराद ये मट्टी गारे का घर होता तो इसमें जो काफिर मोमिन मुस्लिम दाखिल हुआ वो सब अहलुल बैत थे, लेकिन सब दाखिल होने वाले अहलुल बैत नहीं है। ये इस बात का सबूत है, ये मट्टी गारे का घर मुराद नहीं है, ये फजाइल समझते हैं हम मट्टी दारे का घर समझते हैं। ये वो घर है जो फजाइलों कमालात का घर है। इसीलिए आप ज़ियारत जामिया में भी क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा। यहां नबुवत का लफ्ज जरूरी है, अगर अहलुल बैत के साथ लफ्ज नबुवत नहीं लगाएंगे माना वाज़े नहीं होंगे। शजरा नबुवत है क्योंकि अहलुल बैत नबुवत है। क्या मकाम है इन हस्तियों का, तवज्जो चाहता हूं। ये जुमला मैं कहने जा रहा हूं और मुझे इस जुमले को कहने में कोई तामुल नहीं है। जो फजाइल कमालात खत्मी मर्तबत की जात में है वो सब के सब उनके अहले बैत में मौजूद है, वो सब के सब अहले बैत में मौजूद है। अगर कोई ये कहे कि फला चीज में कम है तो फिर वो समझ ही नहीं पाया कि रसूल की मसनद पे बिठाना किसको है। मुश्किल कहाँ है? तवज्जो फरमाएंगे हजरात, जिन लोगों को रसूल जैसे फजाइल कमालात कहीं नजर नहीं आए, फर्क समझ लीजिएगा मकतब अहले बैत और दीगर मकातिब का, जिन लोगों को रसूल जैसे फजाइल कमालात नजर नहीं आए, उन्होंने ये देखा कि जहां तक हमारी दस्तरस है उनकी दस्तरस इन फजाइल तक नहीं है, तो कहा कि ठीक है फिर नाउ बिल्लाह रसूल को भी नीचे ले आओ। लेकिन चूंकि हमारी दस्तरस उन तक थी जो फजाइल कमालात में रसूल जैसे हैं, इसलिए हमें नाउ बिल्लाह रसूल की जात को नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस मकाम पर अली ने क्या खूब इरशाद फरमाया। अब जरा तारुफ सुन लीजिए, बस आपकी जहमत तमाम, वक्त तमाम हो गया। आम तौर पे रसूल का तारुफ करवाने और सुनने के लिए लोगों ने जिन अफराद को मुअय्यन किया वो इसकी काबिलियत और सलाहियत नहीं रखते थे। रसूल का तारुफ कौन करा सकता है? वही जो रसूल को पहचानता हो। नहजुल बलागा में अली क्या कह रहे हैं, इस जुमले को यहीं रोक कर यहां लेके आ रहा हूं, कल गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अली क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं मुझे पहचानो? का मैं वो हूं जो बचपन से रसूल के साथ साथ था, मुझे रसूल अपने सीने पे सुलाते थे। अब जरा जुमला जहन में रहे, शजरतुन नबुवा अहलुल बैतिन नबुवा, मुझे रसूल अपने सीने पर सुलाते थे, रसूल अपने मुंह में लुगमे चबा चबा कर मेरे मुंह में डालते थे। और अब अजीब जुमला ये कहा, कायनात पर अली का ये जुमला भारी है, अली और औलाद अली के सिवा मैंने ये जुमला किसी से नहीं सुना। अली ने चाहा काम में बचपन से नबुव्वत की बूंद फूंका करता था, मैं बचपन से नबुव्वत की बूंद फूंका करता था। अली ने ये नहीं कहा मैं बचपन से नबी बूंदा था, नबी और है
समझ में आई क्यों? बचपन में गोद में क्या कह रहे का मैं उस वक्त भी नबुव्वत की बू सूंघता था, मैं नबुव्वत की खुशबू महसूस करता था। वो दुनिया एक तरफ जाए जो रसूल को 40 साल के बाद मानती है, हम उस अली के मानने वाले हैं जिसने रसूल की नबुव्वत से पहले नबुव्वत की बू सूंघी है। और ये जुमला अजीब है अली का, अल्लाहु अकबर। जुमला ज़हन में रहे, शजरतुन नबुव्वा, अली का कह रहे हैं मैंने नबुव्वत की बू को सूंघा है, मेरा शामा नबुव्वत को सूंघ सकता है। अब उसके बाद कहते हैं जब रसूल पर पहली वही नाज़िल हुई, मैं अली था जो रसूल के साथ गारे हिरा में मौजूद था, मैं अली था जो रसूल के साथ गारे हिरा में मौजूद था। वही उतरी और एक मर्तबा वही उतरने के बाद एक चीख सुनाई दी। मैंने रसूल से कहा या रसूल अल्लाह ये चीख कैसी है? कई सवाल इसलिए होते हैं कि जो जाहिल हैं जवाब मिलेगा तो आलिम हो जाएंगे। अली का ये सवाल इसलिए नहीं है, अली को मालूम नहीं है, अली और रसूल के इल्म में कोई फर्क नहीं है। अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये चीख काहे की है? कहा ये शैतान की चीख है, उसने वही उतरने के बाद ये चीख मारी। वो ये कहना चाहता है, वो ये ऐलान कर रहा है कि अब वो अपनी इबादत से मायूस हो गया, अल्लाह के नबी पर वही उतरी अब वो मायूस हो गया। ये जुमला कहने के बाद रसूल ने अली को देखा और अब एक जुमला कहा, कहा या अली जो मैं सुनता हूँ करता नहीं, लेकिन अब मौजू आ गया है तो कह के गुजरूं। कुछ लोगों को बड़ी पसंद है इस किस्म की बातें, वो चाहते हैं कैसे हमें पता चले कि गारे हिरा में क्या हुआ, खुदा करे मैं पहुंचा सकूं। उनका जी चाहता है कि पता चले गारे हिरा में क्या हुआ, लेकिन मुश्किल ये हुई कि उन्होंने उन अफराद से जाके पूछा जो वहां मौजूद ही नहीं थे। भाई आपको गारे हिरा का वाकया पूछना है तो दो ही सूरतें बन सकती हैं, या तो कोई खुद वहां मौजूद हो वो बताए, और या फिर रसूल किसी को बताए और वो नकल करे। इन दो के अलावा तीसरी कोई सूरत बन सकती है? मुझे बताइए। दुनिया ने नहीं मालूम गारे हिरा से मुतल्लिक क्या क्या बातें बयान कर दी, जनाब रसूल पे वही उतरी तो वो घबरा गए, वो डर गए, सीना चिरा, अंदर से कुछ निकला, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई हमें जरूरत ही नहीं है किसी ऐसे से पूछने की जो वहां मौजूद ही नहीं था, हमने तो अली से पूछा, आप बताइए आप वहां थे, हुआ क्या है? और अली ने बताया घबराहट हो गई। ये उन रावियों से ना पूछें जो मौजूद ही नहीं थे, ये उस अली से पूछें जो सामने था, ये उस अली से पूछें जो सामने थे। अली ने क्या बताया? कहा जो मैं सुनता हूँ रसूल क्या कह रहे हैं वो तू सुनता है, जो मैं देखता हूँ वो तू देखता है।
अली बता रहे हैं मैं शामय नबूवत मैं नबूवत को सूंघने का शामा रखता हूँ, इसलिए कौन है शजरतुन नबूवा। अली शजरतुन नबूवा, अहलुल बैत शजरतुन नबूवा। लेकिन वो जुल्म हुआ कि कोई शाख इस शजरे की ऐसी नहीं है जिसको काटने की तैयारी न की गई। अल्लाह अल्लाह, कितने मजलूम है अहलुल बैत। कोई मौका ऐसा नहीं है जिस पे अहलुल बैत पर जुल्म करने में कोई कमी छोड़ी गई हो। आप जानते हैं इन अय्याम में अहलुल बैत असीरान हरम कहाँ हैं? ये वो दिन हैं जिन दिनों में अहलुल बैत कूफे में हैं। खुदा न करे कभी किसी पर ऐसा वक्त आए, जो इज्जतदार होते हैं ना, जो बाहया होते हैं, उनके लिए मर जाने का मकाम है। कहते हैं जब ये काफिला दाखिल हुआ ना कूफे में, तो दो लम्हे के लिए सोचिए ज़ैनब पे क्या गुजरती होगी। जिस शहर में ज़ैनब कभी शहजादी बन के रहती थी, आज वहां मौलवी बन गई। उस शहर में दाखिल होने के बाद जहां औरतें आकर ज़ैनब से कुरान सीखा करती थी, आज ज़ैनब वहां कैदी बन के आई है और अब जा रही हैं। रिवायत कहती है जैसे जैसे ऊंट आगे बढ़ता जा रहा था, कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। एक घर के पास से गुजरी तो एक खातून ने सबके ही खजूरे, बच्चों के हाथ में सबके ही खजूरे आए। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, उन्होंने बच्चों के हाथ से लेकर वापस फेंक के कहा इन्ना अलैना सजरतुल हराम, हम पर सदका हराम है। वो परेशान होकर कहने लगी अरे तुम कौन लोग, सदका तो आले मोहम्मद पर हराम है। एक घर के पास से गुजर रहा था, घर की छत पर एक कमीज खड़ी थी, उसने ये काफला गुजरते हुए देखा, दौड़ती हुई नीचे घर में गई और घर में जाकर उसने अपनी मालकन को बताया कि मालकन कुछ कैदी आए हैं। कैदियों का नाम सुना, उसने पलट के कहा देखो कैदियों का तमाशा नहीं बनाना, मौला ने सख्ती से मना किया। ये जुमला सुना कनीज ने पलट के कहा आका जादी ऐ मेरी मालकन, ये मुझे कोई आम कैदी नहीं लगते, ये किसी खास घराने के शरीफ घराने के कैदी लगते। कहा तूने ये कैसे अंदाजा लगाया? कहा चादर छिल गई हैं लेकिन फिर सर झुकाए हुए हैं, वही शराफत नफ्स पाई जाती है इनमें, लोग इन्हें सदके की चीजें दे रहे हैं ये खा नहीं रहे। अच्छा मैं ऊपर चल के देखती हूँ कौन है। वो ऊपर आई, जब वो ऊपर पहुंची तो देखा एक ऊंट घर के बिल्कुल साथ खड़ा है, उसके साथ एक और ऊंट है, एक पर कोई बुजुर्ग खातून है, उसके साथ एक छोटी बच्ची बैठी हुई है। उसने कहा कि अम्मा मुझे प्यास लग रही है। ये पूरा सुना इसने अपनी कमीज को लगाया, कहा जल्दी जाओ नीचे से पानी का जाम करके लाओ। पानी का जाम आया, उसने आगे बढ़ाया गर्मी भी ले अपनी बच्ची को पिला ले, और जब ये पी ले उससे कहना मेरे लिए रोई वाही है। कहा नहीं तू पहले दुआ कर, मेरी बच्ची आमीन कहेगी उसके बाद पानी पियेगी। कहा अच्छा पहली दुआ यह है इसको दुआ कर जैसे ये यकीन ने कैसे आमीन कहा होगा। क्या दूसरी दुआ क्या है? क्या दूसरी दुआ यह है ऐसा हुआ मैं अपने मोहल्ला से भाई है। आप कहा से आई? कहते मौला ने पूरी
परवरदार अहले बैत की मुसीबत का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ील फरमा, हमें उनके अमान व अंसार में शामिल फरमा। परवरदार गुनाह ने कबीरा व सगीरा से दरगुज़र फरमा। जिस किसी ने दुआ की इल्तिमास की हाजात कबूल फरमा। परवरदार बीमारों को शिफा इनायत फरमा। परवरदार जहाँ भी मोमिनीन आबाद हैं, अगर वो मोमिन किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, मालिक मुश्किल दूर फरमा। दुश्मनान अहलुल बैत अगर हिदायत के काबिल नहीं, नेस्त व नाबूद फरमा। बिहक मुहम्मद व आलिह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के जुमला मरहूम मोमिनीन अवनास शहदाए मिल्लत जाफिया अपने अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए, जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं उनको शामिल करते हुए, बिलखसूस मोहम्मद सरवर जावेद हीरा एडवोकेट मरहूम महफूज को शामिल करते हुए साल फरमा दीजिए।